आपके सामने टू सेंटेंसेस है. फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन डू यू कम क्वेश्चन मार्क. सेकंड सेंटेंस है व्हेन यू कम फुल स्टॉप. अब सोचने वाली ये बात है कि जब मैंने दोनों ही सेंटेंसेस को व्हेन से स्टार्ट किया है तो फिर क्यों मैंने पहले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क और दूसरे सेंटेंस में फुल स्टॉप दिया है. यदि आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इस वीडियो को आप पूरी देखिए और सीखिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है. और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए. और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिए. तो हमारा टॉपिक था आज का कि मैंने वैन को दो बार लिखा लेकिन एक में क्वेश्चन मार्क दिया और एक में फुल स्टॉप दिया. क्या आपको पता है वैन का हिंदी में क्या मतलब होता है? वैन को हम कहते हैं हिंदी में कब. और आपको पता है कि कब के अलावा भी इसका एक और मीनिंग होता है, जब. वैन को हम कब और जब दोनों बोलते हैं. सेंटेंस दिया था मैंने व्हेन डू यू कम क्वेश्चन मार्क. यहां पर इसकी हिंदी है आप कब आते हो. व्हेन डू यू कम, आप कब आते हो. यहां पर व्हेन एक WH फैमिली की तरह है और उसकी हिंदी है कब. सेकंड सेंटेंस था व्हेन यू कम फुल स्टॉप. यहां पर व्हेन की हिंदी है जब. व्हेन यू कम, जब आप आते हो. तो यहां पर व्हेन की हिंदी जब है और इससे पहले वाले सेंटेंस में व्हेन की हिंदी कब थी. आई होप कि आप सीख गए कि व्हेन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक कब के लिए और एक जब के लिए. और कब और जब को कैसे यूज करते हैं और सही तरीके से मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को पढ़ाकर बताऊंगा. पहले मैं ऐसे सेंटेंसेस की बात करूंगा जब व्हेन की हिंदी कब होती है. आई मीन टू से जब व्हेन का यूज हम WH फैमिली की तरह करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है आप मुझसे कब मिलोगे. व्हेन विल यू मीट मी. सेकंड सेंटेंस है वह यहां कब आती है. व्हेन डज शी कम हियर क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है आप वहां कब जा रहे हो. व्हेन आर यू गोइंग देयर. नेक्स्ट सेंटेंस है आप उससे कब मिले थे. व्हेन डिड यू मीट हिम. लास्ट सेंटेंस है आप कब फ्री हो. व्हेन आर यू फ्री क्वेश्चन मार्क. तो ये वो सेंटेंसेस थे जब हम व्हेन को कब की हिंदी के लिए यूज करते हैं. अब मैं बात करूंगा जब व्हेन को हिंदी में जब बोलते हैं. कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि जब मैं 10th क्लास में था. जब मैं 10th क्लास में था. व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास फुल स्टॉप. यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है क्योंकि ये कोई एक सवाल नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है जब वह यहां आती है. व्हेन शी कम्स हियर फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है जब भारत आजाद हुआ. व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम. नेक्स्ट सेंटेंस है जब आप मुझसे मिलोगे. व्हेन यू मीट मी फुल स्टॉप. एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस था जब आप मुझसे मिलोगे. अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती कर देते हैं कि यहां पर विल का यूज कर देते हैं. वो सोचते हैं कि पीछे गा गे गी आ गया तो यहां पर विल का यूज करना है. ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप व्हेन का यूज जब के लिए करते हो, यदि वहां पर व्हेन की हिंदी जब है तो हमें विल का यूज नहीं करना है. वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे व्हेन के साथ. इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. व्हेन आई ग्रो अप. आपने देखा कि मैंने यहां पर विल का यूज नहीं किया. यदि आप बोलोगे व्हेन आई विल ग्रो अप तो ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से रॉन्ग होगा. आई होप कि अब आप जान चुके हो कि व्हेन का यूज
दो तरीकों से कैसे करना है, कब आपको कब की तरह यूज करना है और कब आपको उसे जब की तरह यूज करना है। और यदि आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप यदि चाहते हो कि मैं ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करेगी, तो आप ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक में वीडियो बनानी है। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।